नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका आपके चैनल बैक टू आयुर्वेदा में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंठकारी के पौधे के बारे में। तो कंठकारी का पौधा प्राचीन काल से ही बहुत उपयोगी पौधा रहा है और काफ़ी बीमारियों में इसका उपयोग होता आया है प्राचीन काल से ही। ये आज भी इसका उपयोग हम करते हैं, ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ पूरा वीडियो में, आप बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि मैं इसके बहुत सारे उपयोग आपको बताने वाला हूँ, किस किस बीमारी में आपको इसका उपयोग करना है। सबसे पहले आप इसको पहचानिए, पहचानने की इसकी जो पहचान है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये इसके हरे फल हैं। जब ये हरे होते हैं, कच्चे होते हैं, तो ये हरे हो जाते हैं, हरे रहते हैं, और इसकी पत्तियों पर, पूरी पत्तियों पर कांटी होती है, कांटे होते हैं, और इसके पूरे पेड़ पर कांटे होते हैं। ये देखिए, आपको दिख भी रहे होंगे। और जब ये पक जाते हैं फल, तो ये पीले हो जाते हैं, ऐसे ये पीले हो जाते हैं, और इस पर ये बैंगनी कलर के फूल आते हैं, ये ऐसे ये वाले फूल। ये नीली कंठकारी है, एक सफ़ेद भी होती है, लेकिन वो बिल्कुल दुर्लभ पौधा है। और ये भी आजकल इसकी प्रजाति भी ख़त्म होती जा रही है, काफ़ी कम मात्रा में ये मिलते हैं। तो कहीं भी ये मिले, आप इसे बिल्कुल उठा कर रख लें, सुखा लें, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी पौधा है और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है दवाइयों में, ये बहुत ही लाभकारी है। कंठकारी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे संस्कृत में इसे कंठकारी, चंद्रपुष्पा, हिंदी में इसे कटेरी या भटकटैया कहा जाता है, और तेलुगु में इसे वाकुडू कहा जाता है, बांग्ला भाषा में इसे कंटीकारी कहा जाता है, और मराठी में इसे भुई रिंगणी कहा जाता है, और गुजराती भाषा में इसे नानी भोरिंगणी कहा जाता है। यह श्वास नाशक, कफ नाशक और खांसी का नाश करने वाली है। यह बहुत ही उपयोगी पौधा है, आप इसे जहाँ भी देखें इसे उठा कर रख लें। जैसे ये खांसी, कफ जुखाम या खांसी में ये बहुत ही लाभकारी है। जो ये कंठकारी है, इसका पंचांग यानी कि इसकी पत्ती, फूल और ये जो इसके पीले फल हैं, जड़, इसकी सभी का पंचांग यानी कि सुखा लें इसे। पंचांग की 3 से 4 ग्राम मात्रा को 200 ग्राम पानी में उबालें। जब वह पानी 50 ग्राम बच जाए, तो उसे उतार कर छान लें और उसे पिएं। ऐसा करने से जो खांसी है, कफ है, जुखाम है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जड़ से ठीक हो जाएगा। जिनका कभी ठीक नहीं होता है और हमेशा उन्हें खांसी की शिकायत रहती है, किसी भी डॉक्टर की दवाई से या किसी भी दवाई से वो ठीक नहीं हो रही है, तो वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसका एक उपाय और है, यानी कि ताज़ी, अगर आपको ताज़ी कंठकारी मिल जाती है, जैसे ये पौधा है कंठकारी का, तो इसका 2 ग्राम रस निकालें और 1 चम्मच शहद में मिलाकर जिनको खांसी है या श्वास रोग है उन्हें पिला दें। ऐसा करने से उनकी खांसी और श्वास रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि दमा रोग है, उसमें भी यह बहुत अधिक लाभदायक है, दमे में भी। 3 से 4 ग्राम कंठकारी पंचांग चूर्ण को 200 ml पानी में उबालकर जब 50 ग्राम रह जाए, तो इसे उतार कर छान कर पीने से जो दमा है या श्वास रोग है, वो जड़ से समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही उपयोगी पौधा है, जैसा आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मेरे लगी हुई है, ये यहाँ पर मुझे मिल गई थी। बहुत ही उपयोगी पौधा है, आप इसको उपयोग ज़रूर करें। कंठकारी दांत के दर्द में भी काफ़ी लाभदायक है। कंठकारी के ताज़े पौधे को कूटकर, यानी कि इसका जो ताज़ा पौधा है, इसे कूटकर रस निकालकर रुई में भिगोकर जिस दांत में दर्द है या डाढ़ में दर्द है, उसके नीचे रखने से आराम मिलता है, यानी कि बिल्कुल राहत मिलती है, तुरंत के तुरंत उसका दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका एक और उपाय है, कंठकारी के पंचांग का काढ़ा, यानी कि अगर आपको ताज़ी नहीं मिलती है ये कहीं पर भी, और दर्द या दांत में दर्द है, तो आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाएं और उससे कुल्ला करें। ऐसा करने से जो दांतों का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दांत तथा मसूड़े भी मजबूत होते हैं इससे। ये अपस्मार में भी बहुत अधिक लाभदायक है, जिसे मिर्गी कहते हैं, एफिलिस्प कहते हैं, फिलिप्स में बहुत अधिक लाभदायक है। ये बीमारी ऐसी है, मिर्गी वाली, दौरे वाली बीमारी ऐसी होती है, ये बहुत ही दुखदायी बीमारी होती है और काफ़ी लोग इससे पीड़ित रहते हैं और पूरे जीवन वो उन्हें इस पीड़ा में ही गुजारना पड़ता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन कंठकारी इसे बिल्कुल ठीक कर देती है जड़ से। इसके ताज़े कंठकारी के पौधे को कूटकर, यानी कि इसका जो पौधा है, इसे कूटकर रस निकालें और इस रस की 2-2 बूंदें यदि प्रतिदिन खाली पेट दोनों नाक में डालें, तो मिर्गी के रोगियों जो हैं उनकी बिल्कुल मिर्गी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इससे सिरदर्द और माइग्रेन में भी आराम मिलता है। ये बिल्कुल निरापद उपाय, मिर्गी वाले रोगों को बिल्कुल इन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। इसका रस निकाल के नाक में डालना है प्रतिदिन खाली पेट,
ये बहुत ही उपयोगी है और मिर्गी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। ये सिर दर्द में भी लाभदायक है, कंठकारी को कूट कर, यानी कि सिर दर्द है, माइग्रेन है, उसमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। कंठकारी को कूट कर रस निकाल कर इसकी चार चार बूंदें नाक में डालें तो सिर दर्द है, माइग्रेन है, वो तुरंत राहत मिलती है उसमें। इससे ये बहुत ही लाभकारी पौधा है, बहुत ही उपयोगी है। ये बालों के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। जिन लोगों के बाल टूटते हैं, गंजापन आ गया है बाल, या झड़ते हैं, तो कंठकारी के पौधे को कूट कर रस निकाल कर शीशी में भर लें और उसे फ्रिज में रख लें और इस रस को बालों की जड़ों में नियमित रूप से लगाएं। अच्छी तरह से उसे मसल मसल के लगाएं, रगड़ के लगाएं बालों की जड़ में, तो जिस स्थान पर बाल नहीं है वहाँ पर भी बाल उग जाएंगे और जहाँ से बाल उड़ रहे हैं उस स्थान पर भी आ जाएंगे और बाल घने, लंबे और मजबूत हो जाएंगे। कंठकारी मूत्र रोग में भी काफ़ी लाभदायक है। ये कंठकारी के ताज़े पौधे की 5 ग्राम मात्रा को 400 ml, यानी कि इसका जो ताज़ा पौधा है इसकी 5 ग्राम मात्रा को 400 ग्राम पानी में इसे पकाएं और जब 100 ml रह जाए तो उसे छान कर पिए। ऐसा करने से जो मूत्र रोग है, मूत्र में जलन है, रुक रुक कर आता है या दर्द है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये बहुत ही निरापद उपाय है और बहुत ही लाभकारी है। इसका एक उपाय और है, कंठकारी के सूखे पंचांग, यदि हरा ना मिले तो आपको सूखे पंचांग की 5 ग्राम मात्रा को 400 ml पानी में उबालें और जब वह 100 ग्राम रह जाए तो उसे उतार कर छान कर पिएं। ऐसा करने से इसका बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा और सभी प्रकार के मूत्र रोगों में एकदम आराम मिलेगा आपको। उल्टी जैसे रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे उल्टी है, किसी को उल्टी लगती रहती है, उसमें भी इसका बहुत उपयोग है। इसकी 3 से 4 ग्राम मात्रा में सूखी कंठकारी लेनी है आपको, 3 से 4 ग्राम मात्रा में, और उसका काढ़ा बनाकर पिएं तो उल्टी बिल्कुल बंद हो जाती है। ये लीवर के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है, जिन्हें लीवर में सूजन रहती है, इन्फेक्शन है और अपचन है या कमजोरी है, उसके लिए भी इसका काढ़ा 3 से 4 ग्राम सूखी कंठकारी का काढ़ा बनाकर पिएं, या ताज़ी कंठकारी हो तो भी उसका काढ़ा बनाकर पिएं, तो यह बहुत ही लाभकारी है। यकृत के लिए, लीवर के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। एक उपयोग इसका बहुत ही अच्छा है, जिसे गर्भस्राव, महिलाओं में गर्भस्राव होता है या गर्भपात जैसी भी जो दिक्कत हो जाती है महिलाओं में, उसके लिए इसका उपयोग बहुत ही अच्छा उपयोग उसमें किया जाता है। ऐसी महिलाओं में जिनमें गर्भपात या गर्भस्राव की दिक्कत होती रहती है, उन्हें उल्टी होती है, जी मिचलाता है उनका, खांसी होती है, भूख कम लगती है, ये समस्याएँ बहुत होती हैं ऐसी महिलाओं में, तो इसके 5 ग्राम कंठकारी पंचांग, ये जो इसका पंचांग है उसका 5 ग्राम लें कंठकारी का, तथा 5 से 6 मुनक्खा उसमें डालें और उसे उबालें। ताज़ा पंचांग न हो तो सूखा भी ले सकते हैं, इसमें 5 ग्राम, और उसे 5-6 मुनक्खे उसमें डालें और उसे उबालें। जब वो 1/4 रह जाए तो उसे उतार कर छान कर सेवन करने से जो भी परेशानियां हैं, जैसे उल्टी होती है महिलाओं को, जी मचलाता है, खांसी होती है, भूख नहीं लगती गर्भावस्था में, और गर्भस्राव ज़्यादा होता है, गर्भपात होने की समस्या होती है, तो वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाती है। ये गर्भ की भी रक्षा करता है और बच्चा जो है वो पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट होता है। इसका एक उपयोग और है, गर्भधारण, जो महिलाएँ गर्भधारण नहीं कर पाती हैं उनके लिए भी यह एक वरदान साबित है, होता है। इसमें क्या करना है, जो महिलाएँ गर्भधारण नहीं कर पाती हैं उनके लिए यदि सफ़ेद कंठकारी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप नीली वाली कंठकारी भी उसमें प्रयोग करते हैं, ये जो नीला इसका फूल है, ये नीली कंठकारी है, ये भी उसके लिए लाभदायक है, बैंगनी फूल वाली। इसके लिए इसकी जो जड़ है उसका 5 ग्राम लें, जड़ का 5 ग्राम, यानी कि जड़ जो है इसकी, उसे 5 ग्राम लें और उसका काढ़ा बनाकर मासिक धर्म स्टार्ट होने से 3 दिन पहले से पीना उसे प्रारंभ करें, यानी कि जैसे मासिक धर्म स्टार्ट होने वाले हैं तो उससे 3 दिन पहले ही इसका काढ़ा पीना प्रारंभ करें और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तक उसे पीते रहें। ऐसा करने से 1 माह ही अगर आपने ऐसा कर लिया तो गर्भधारण की जो समस्या है, यानी गर्भधारण की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और महिला जो है गर्भधारण की क्षमता उसकी बढ़ जाती है और वह गर्भ को आसानी से धारण कर सकती है। यह बहुत ही उपयोगी है, एक बार में ही इसका बहुत असर है। अगर एक बार में नहीं होता है तो अगले महीने ही फिर इसे उपयोग किया जाए,
बीच में इसका कोई उपयोग नहीं करना है, या तो पहले महीने में ही ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो दूसरे महीने और तीसरे महीने भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है इस चीज़ में और बहुत ही लाभकारी है। तो इस पौधे को जहाँ भी मिले इसे उठाकर रख लें, सुखा लें, ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। अगर इसकी मेरी वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।